वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को मलेरिया बुखार हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि मलेरिया बुखार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा खाते हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊँगा कि मलेरिया बुखार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। भाइयों, आप सभी प्रकार की दालों को खा सकते हैं। राजमा, छोले और सोयाबीन को आप खा सकते हैं। आप सभी प्रकार की हरी सब्जियों को खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को भी आप खा सकते हैं। आप सभी प्रकार के फलों को खा सकते हैं। कीवी फल और अनार आपको काफ़ी फायदा करेगा। भाइयों, आप सभी प्रकार के फलों का बिना बर्फ़ का जूस पी सकते हैं। भाइयों, आप दलिया और खिचड़ी को खा सकते हैं। पनीर को खाएं, दूध को पिएं और आप मट्ठा को भी पी सकते हैं। भाइयों, आप तली भुनी खाने की चीज़ों का प्रयोग ना करें और मसालेदार भोजन का प्रयोग ना करें, चाय और कॉफ़ी का प्रयोग ना करें। भाइयों, आप अंडा को खा सकते हैं, मछली को खा सकते हैं। भाइयों, आप सभी प्रकार का अनाज खा सकते हैं, मिक्स आटे की रोटी खा सकते हैं। भाइयों, आप ताज़ा पानी पिएं, फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग ना करें और आइसक्रीम का प्रयोग ना करें। शराब, दारू, अल्कोहल को बंद करें। सिगरेट और सभी प्रकार की स्मोकिंग को बंद करें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। भाइयों, आप खाने में सरसों के तेल का प्रयोग करें। भाइयों, आप सभी प्रकार की सूखी मेवा को खा सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, मूँगफली, पिस्ता को आप खा सकते हैं। चना को खाएँ। और भाइयों, आप सभी प्रकार की सलाद को खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली को आप खा सकते हैं। तो भाइयों, अगर आप मलेरिया बुखार में खाने पीने का ध्यान रखेंगे और सही इलाज कराएंगे तो आपका मलेरिया बुखार 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। नमस्कार भाई।